हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल बिजनेस सेंटर में। तो जो ये स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये उन सभी स्टूडेंट के लिए जो 2015 से 18 है, या किसी का 16 से 19 है, या किसी का 17 20 है, या 18 21 या 19 22, ठीक है, जिनका भी जनरल पेपर स्पेशल एग्ज़ाम फिर से हुआ था, ठीक है, जिनका एग्ज़ाम हो रहा है उन सभी स्टूडेंट के लिए ये है, ठीक है। क्योंकि आज के दिन एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है, ठीक है, और आज इसका एक पहला पेपर हो गया है। तो अगर आपका जनरल पेपर पॉलिटिकल साइंस है, या आपका हिस्ट्री है, या सोशियोलॉजी है, तो यहाँ आपको इस वीडियो को देखने के बाद क्या फ़ायदा होगा, तो पॉलिटिकल साइंस वालों का ये पता चलेगा कि आप लोगों ने जो एमसीक्यू क्वेश्चन में टिकॉट किया है वो आप लोगों ने कितना सही किया है। बाकी जो हिस्ट्री वगैरह वाले हैं उनको ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जा रहा है, कितना ऑब्जेक्टिव, कितना सब्जेक्टिव, पेपर कैसा रहता है, ठीक है। क्योंकि आपके मन में ये जरूर बातें आता होगा कि आखिर पेपर कैसा होगा, ये आपके मन में जरूर सवाल होगा, ठीक है। तो जो दूसरा सब्जेक्ट वाले हैं, जिनका दूसरा हिस्ट्री है, सोशियोलॉजी है, ये सब चीज़ें हैं, वो इस पेपर को देखो कि आपका पेपर कैसा रहने वाला है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कितना रहेगा। और जिनका ये पॉलिटिकल साइंस है, जो लोगों ने एग्ज़ाम देकर क्या गया है, वो लोग अपना मैच करो, ठीक है, कि आप लोगों ने टोटल 8 को एमसीक्यू क्वेश्चन दिया गया था, तो 8 में से आप लोगों ने टोटल कितना सही कर पाए हैं, ठीक है। और अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, 8 को एमसीक्यू क्वेश्चन था, हर एक क्वेश्चन दो दो नंबर का था, ठीक है। तो 16 में से आपका कितना नंबर आएगा कमेंट में आप लोग जरूर बताना, ठीक है। ऐसा ही पेपर आपका भी रहेगा, चाहे जिन अभी स्टूडेंट का एग्जाम हुआ है नहीं हुआ है, पॉलिटिकल साइंस है, जनरल का, सभी सेशन का ये 3 घंटे का टाइम मिलता है, टोटल 80 नंबर मिलता है। यहाँ पे देखो, हम इसके पहले एक मॉडल पेपर तैयार किए थे, वही सेम मॉडल पेपर के जैसा ही आपका पेपर पूछा गया, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है कि आपको सारा प्रश्न का उत्तर देना, ठीक है, यहाँ पे कुछ तो विशेष नहीं बताया गया है। यहाँ पे देखो, बहुविकल्प प्रश्न यानी कि जिसमें 4 ऑप्शन दिया रहेगा अनिवार्य बनाना निश्चित है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन 8-8 2-2 नंबर का, जो कि 8 क्वेश्चन है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बताया गया, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। पहला क्वेश्चन है राजनीतिक सिद्धांत का क्षेत्र कैसा है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। राज्य और सरकार का अध्ययन करना ही हमारे राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो पहला का आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखो क्या हो रहा है, राजनीतिक सिद्धांत का क्या महत्व है, तो जो बी होगा इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सी, प्राकृतिक अधिकार वे अधिकार है जो हमें दिए जाते हैं, किसके द्वारा, तो ईश्वर और प्रकृति के द्वारा, तो आपका सी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डी की ओर, ठीक है। तो देखो डी में क्या पूछा गया, क्वेश्चन आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, ठीक है। डी में पूछा गया कि निम्न में से कौन सा सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक नहीं है, तो इसका जो आपका डी है इसका करेक्ट आंसर होगा पहला, रूसो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, हर एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन आपका रहेगा, टोटल 8 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन ई है, प्लेटो ने किस पुस्तक में न्याय के बारे में अपना विचार दिया, तो ई का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3, द रिपब्लिक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एफ है। एफ में हमारा क्या बताया गया कि किसका विश्वास है कि संप्रभुता समान इच्छा में निहित है, तो ये जो एफ नंबर है इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला, यानी कि रूसो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एंड हमारा जी क्वेश्चन है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक किसने लिखी, तो जो जी है इसका करेक्ट आंसर होगा आपका, आपका हो जाएगा ये यहाँ पे 3, रूसो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा एच नंबर कि राइट्स ऑफ मैन पुस्तक किसने लिखी, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला, थॉमस पेन ने, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, इसमें आपका कितना सही होगा कॉमेंट में जरूर बताना। और जो दूसरा सब्जेक्ट वाले देख रहे हैं, जिनका दूसरा सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस के अलावा दूसरा, उसको पता चल गया होगा कि 8 क्वेश्चन 2-2 नंबर का पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब बात करते हैं ग्रुप बी में। अब यहाँ पे ध्यान देना दोस्तों, जिसका एग्जाम नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है आंसर एनी 4 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब यहाँ पे तो दिया रहेगा बहुत सारा क्वेश्चन, ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन दिया रहेगा, लेकिन कोई आपको 4 ही क्वेश्चन बनाना है, और हर एक क्वेश्चन आपका 16 नंबर का रहेगा, ठीक है, 16 मार्क्स का। और हर एक क्वेश्चन वही क्वेश्चन आया जो मैंने बताया था, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया है, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताना कि मेरा बताया हुआ क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था, ठीक है, सारा बताया हुआ क्वेश्चन आया, ठीक है। राजनीतिक सिद्धांत क्या है, इसकी प्राकृतिक और महत्व की व्याख्या करें, ये भी क्वेश्चन मैंने बता दिया है। 3, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व और सीमाओं का वर्णन करें, ये भी बता दिया हूँ। राज की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत, ये भी बता दिया हूँ। 5, संप्रभुता क्या है, ये भी मैंने बता दिया।
छठा न्याय से आप क्या समझते हैं ये भी मैंने बता दिया है। सातवां अधिकार क्या ये भी मैंने बता दिया था। स्वतंत्रता की उत्पत्ति और विकास पर प्रकाश डाल ये भी बताया था। नौवां समांतर स्वतंत्रता के मध्य जो अंतर संबंध वो नहीं बताया था बट समांतर स्वतंत्रता बता दिया था तो इसके मध्य संबंध क्या वो भी बता दोगे आप लोग ठीक है। लेकिन क्या आपको सारा बनाना है? सारा क्वेश्चन नहीं बनाना है। जो इधर दिया गया ना दूसरा से लेकर के नौवां तक इनमें से कोई आपको चार ही क्वेश्चन बनाना जो आपको सबसे अच्छा लगे कि ये चार क्वेश्चन का आंसर हम अच्छे तरीके से दे सकते हैं वही चार का आपको जवाब देना है ठीक है। ये नहीं कि सारा जान रहा तो सारा का बना देंगे ज़्यादा नंबर मिलेगा ऐसा बिल्कुल गलती नहीं करना है इससे आपका बस टाइम वेस्ट होगा ठीक है। ज़्यादा नंबर नहीं मिलता है चार ही क्वेश्चन बनाना जो आपको बेटर तरीके से आए ठीक है 16 नंबर वाले बाकी एफसीक्यू क्वेश्चन सारा बनाना पड़ेगा ठीक है। तो अगले इसके बाद आप लोगों का सेमेस्टर टू का पेपर टू का एग्जाम है ठीक है जो कि आप लोग का 2 तारीख को है शायद तो उसका भी मैं तैयारी करवाऊंगा ठीक है। बस आप लोग जुड़े रहना और अपना प्यार बनाए रखना ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक जय हिंद जय भारत।